बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना पर जब जब भी मुसीबत आई तब तब भारत ने हाथ आगे बढ़ाकर उनकी मदद की। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन इससे पहले फरवरी 2009 में बांग्लादेश राइफल्स ने विद्रोह कर दिया था। इस दौरान बड़ी संख्या में बड़े सैन्य अधिकारियों, उनके परिवारों की हत्या कर दी गई थी। ये बांग्लादेश के इतिहास में सैन्य अधिकारियों के सबसे बुरे नरसंहार में से एक साबित हुआ। हसीना तब 2 महीने पहले ही देश की प्रधानमंत्री बनी थी और रक्षा विभाग भी उन्होंने अपने हाथ में रखा था। जब उन्हें खतरा महसूस हुआ तो उन्होंने भारत को याद किया। भारत ने बचाई थी शेख हसीना की कुर्सी। बांग्लादेश में जैसे जैसे विद्रोह बढ़ता गया और हिंसा बढ़ती गई, शेख हसीना ने भारत से मदद मांगी। उन्होंने भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री प्रणब मुखर्जी से बात की। हसीना की मदद की गुहार पर विदेश मंत्री रहे प्रणब मुखर्जी ने उन्हें मदद का आश्वासन भी दिया। विदेश सचिव रहे शिवशंकर मेनन ने अमेरिका से लेकर ब्रिटेन, जापान और चीन तक से बात की और शेख हसीना की मुश्किलों पर चर्चा की। शेख हसीना की तत्काल मदद की गुहार के बाद भारत ने पैराशूट रेजिमेंट की 6वीं बटालियन के पैरा ट्रूपर समेत सैन्य संसाधन तैयार किए। बांग्लादेश में संभावित लैंडिंग के लिए भारतीय सैनिकों को तैयार करने के आदेश जारी किए गए, जिसमें प्रमुख स्थानों पर पैरा ट्रूपर्स तैनात किए गए। भारतीय जवानों को ढाका एयरपोर्ट और तब पीएम रही हसीना की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई। तो ऐसे साल 2009 में शेख हसीना की कुर्सी बची और 2009 से ही वह बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी। इस बार भी शेख हसीना के लिए भारत ने ही मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद शेख हसीना का हेलीकॉप्टर सीधा भारत के अगरतला में लैंड हुआ। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना अपनी कुर्सी छोड़ने के बाद चॉपर में सवार होकर ढाका से निकली। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद आर्मी चीफ ने एक अंतरिम सरकार बनाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि हम एक अंतरिम सरकार बनाएंगे और देश को फिलहाल अंतरिम सरकार चलाएगी। इसके अलावा आर्मी चीफ ने सभी दलों की बैठक भी बुलाई है।